السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب उजीब दावत दाईदा दानी फलियस्तोली वली मनूबी लाअमसुदुद् नजरिन कराम प्रोग्राम अलाद के बारे में वालद की ज़िम्मेदारियाँ में हम आपका इस्तबाल करते हैं गुज्त नशस्त में ये बात बतलाई गई थी कि वालद की अहम जिम्मेदारियों में असासी जिम्मेदारियों में ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के लिए नेक माँ तलाश करे यानी अपने लिए नेक बीवी तलाश करे इसी तरीके से ये बात भी बतलाई गई थी कि नेक बीवी की पहचान क्या है नेक बीवी की खसूसियात क्या है और नेक बीवी की वजह से घर का माहौल और घर का सुकून किस तरह होता है आज की नशिस्त में हम एक वालिद पर आयद होने वाली जिम्मेदारियों में से एक अहम जिम्मेदारी लेकर के आए हैं और वो है दुआओं का अहतमाम करना दुआ दुआ एक इबादत है दुआ मोमिन का हथियार है दुआ बंदे और रब के दरमियान एक मजबूत रबता है दुआ बंदे और रब के दरमियान एक अटूट ताल्लुक़ है एक मजबूत वास्ता है दुआ जब बंदा रब से करता है तो रब उससे खुश होता है जब बंदा अपने रब से कुछ मांगता है तो रब उससे खुश होता है अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फ़रमाया व इदा का इबादी आनी करीब ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो आप कहिए कि मैं करीब हूँ उजीब दावत दाई दादा पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ फलियत तजी बोली वलु मिनुबी लाल्मशुदून हदायत पाने के लिए उन्हें चाहिए कि वो मेरी बात को कबूल करें और मेरे ऊपर ईमान लाएँ अल्लाह रबालमीन ने इस आयत करीमा में ये बात बतला दी है कि लाह रबालमीन दुआओं को कबूल करने वाला है एक दूसरी जगह अल्लाह आलमीन ने बयान फरमाया वाल रबरूनी इस तजबलकुम इदीन इस तकबरून अन इबादती सैदून जहन्न मद आखिरीन अल्लाह रबालमिन ने बयान फरमाया ربكم ادعوني استجب لكم और तुम्हारे रब ने कहा कि मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार को सुनता हूं मैं तुम्हारी पुकार को सुनता हूं तुम्हारी दुआ को सुनता हूँ तुम्हारी बातों को सुनता हूँ तुम्हारे मांगने को सुनता हूँ इदी इसबरान इबादती जो लोग मेरी इबादत से रोगरदानी करते हैं जो लोग मेरी इबादत से एराज करते हैं शायद सैद जहन्नम दाखिलीन वो जहन्नम में दाखिल होंगे आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर दुआ को इबादत के लफ्ज़ से ज़िक्र किया है जिसका मफहूम ये है जिसका माना यह है कि दुआ इबादत है और उस इबादत को अगर कोई शख़्स नहीं करता है तो शख़्स गुनहगार होगा और अगर तकबर की वजह से वो यह इबादत नहीं करता है अगर तकबर की वजह से वो शख़्स यह इबादत नहीं करता तो शख्स जहन में दाखिल होगा जैसा कि रब्बालमिन ने बयान फरमाया लिहाजा एक बाप को चाहिए कि शादी होने से पहले ही अपने लिए नेक बीवी की दुआ करे कि रब्बुल रब्बुलमीन तू मुझे नेक बीवी अता फरमा रब्बुल आलमीन तू मेरे बच्चों के लिए नेक माँ अता फरमा और जब शादी हो जाए तो शादी होने के बाद में वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से नेक बच्चे की दुआ करे नेक जुर्रियत की दुआ करे नेक औलाद की दुआ करे और ये दुआ करना कोई आम बात नहीं है बल्कि अम्बिया कराम ने दुआ की है अल्ला रब्बमीन ने इब्राहीम आलम के तल्लुक़ से बयान फरमाया उन्होंने रब्बालमीन को पुकारा और कहा रब्ब हबली मीन अल्लाह तो मुझे नेको कारों में से औलाद अता कर इब्राहीम ने क्या कहा रबी अल्लाह तू मुझे नेको कारों में से औलाद अदा कर अल्लाह के नबी इब्राहिम ने अल्लाह से जो औलाद मांगी नेक औलाद मांगी साल औलाद मांगी और हम क्या करते हैं हम तो पहली चीज़ यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ ही नहीं करते और अगर दुआ करते भी हैं तो डॉक्टर की दुआ करते हैं इंजीनियर की दुआ करते हैं पायलट बनाने की दुआ करते हैं और बिज़नेसमैन बनाने की दुआ करते हैं और न जाने क्या क्या दुआएं करते हैं होना क्या चाहिए होना ये चाहिए कि जब हमारी शादी हो जाए तो हम अपने लिए नेक औलाद तलाश करें क्योंकि जब औलाद नेक होगी तो चाहे वो डॉक्टर हो जाए चाहे वो इंजीनियर हो जाए चाहे वो बिजनेसमैन मैन हो जाए चाहे वो किसी और पेशे से जुड़ा हुआ हो औलाद को फ़ायदा देने वाली होगी औलाद के हक़ में मुफ़ीद होगी औलाद के लिए अच्छी होगी इसीलिए इब्राहीम ने अपने लिए जो दुआ की वो क्या की रब हबली मिन अल्लाह तू मुझे नेको कारों में से औलादता फ़रमा इसी तरीके से ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह आलमीन से दुआ की ज़कर्रियालाम ने अल्लाह अल्लाबीन से क्या दुआ मांगी और अब बिहली मिल्ल का जुरीतन तयब अल्लाह तो मुझे पाक ज़ुर्रियत अता फ़रमा दे तो मुझे नेक अता फरमा दे साल अता फ़रमा दे जक्रिया ने भी अल्लाह रब्लम से दुआ की इब्राहीम ने एक और दुआ की अल्लाह रबालमीन से उन्होंने क्या कहा इब्राहीम ने कहा रब भी मिन जुर्रियती मुकमती अल्लाह ऐ मेरे रब तो मुझे नमाज का कायम करने वाला बना दे और मेरी जुर्रियत को भी नमाज कायम करने वाला बना दे आज कितने बाप ऐसे हैं जो इन दुआओं का जानना तो दूर की बात अगर जानते भी हैं तो दुआ नहीं करते और कितने बाप ऐसे हैं तो दुआ करना तो दूर की बात नमाज तक नहीं पढ़ते इब्राहिम ने अपने लिए कहा मुकीम मुकम अल्ला तू मुझे नमाज क़ायम करने वाला बना दे वो मिन ज़ुर्रियती और मेरी ज़ुर्रियत को भी नमाज क़ायम करने वाला बना दे वो बाप जो ख़ुद नमाज नहीं पढ़ते वो बाप जो दुआओं का एहतमाम नहीं करते वो बाप जो अपने बच्चों के हक में दुआएं नहीं करते उन्हें चाहिए कि वो नमाज़ की पाबंदी करें अपने लिए दुआ करें और अपने बच्चों के हक़ में दुआ करें क्योंकि दुआ करना कोई आम बात नहीं बल्कि ये अम्बिया कराम का तरीक़ा रहा है अल्लाह रबुलमी ने क़ुरानी करीम में मोमिन की जो सिफात बयान की है ममिन के जो अवसाफ बयान किए हैं कि मोमिन किस तरह होते हैं उनकी क्या क्या सिफात होती हैं जिन सिफात पर अल्लाह रब्बुल रबालमीन ने मोमिन की मदह की है ममिन की सताइश की है ममिन को सराहा है उन सिफात में एक सिफत ये है कि मोमिन अपने घर वालों के लिए अपने अहलो आयाल के लिए अपनी औलाद के लिए दुआ करते रहते हैं अल्लाह रब्बुल रबालमीन ने उनका तदकरा करते हुए कहा वो लोग कहते हैं रब अजवा जिन वज्रियाना व जान ला इमामा वो कहते हैं अब ना हबलाना मिन अजवाजीना व दुर्रियाना क़ुरत अयल्ला आय हमारी बीवियों को हमारी औलाद को हमारे आंखों की ठंडक बना दे वह जान ला इमामा और अल्लाह तू हमें मुत्तकीन का इमाम बना दे नेकोकारों का इमाम बना दे साल का इमाम बना दे आज समाज और माशरे के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो इस बात को लेकर के परेशान हैं कि हमारी बीवी हमारी एक बात नहीं सुनती हमारी औलाद हमसे मुतनफ़िर है हमारी बीवी ना फरमान है हमारे बच्चे ना फरमान हैं तो क्या उन्हें यह आयत करीमा नहीं मालूम उन्हें ये दुआ नहीं मालूम उन्हें चाहिए कि बजाय इसके कि वो अपनी बीवी बच्चों की शिकायतें करें अपने बीवी बच्चों की इज़्ज़त को दागदार करें अपने बीवी बच्चों की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाएं, उन्हें चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से गिड़ गिड़ा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से सच्चे दिल से सच्चे जज्बे के साथ सच्ची तड़प के साथ सच्ची नीयत के साथ इस दुआ को पढ़ें रब बना हब लाना मिन अज़वाजिना व व क़ुर्रत अयुन व लिल मुत्तकीन इमामा अल्लाह तू हमारी बीवियों को हमारे बच्चों को हमारे आँखों की ठंडक बना दे और हमें मुत्तकीन का पेशवा और इमाम बना दे एक बाप को इसलिए भी दुआ करनी चाहिए अपने बच्चों के लिए कि अल्लाह आलमीन ने उसे दुआ की कबूलियत से सरफराज किया है अल्लाह आलमीन ने उसकी दुआ को कबूल करने का वादा किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर बयान किया सलासु दावा मुस्तजाबा तीन किस्म की दुआएं कबूल की जाती हैं नंबर एक मुसाफिर की दुआ नंबर दो मजलूम की दुआ नंबर तीन बाप की दुआ अपनी औलाद के हक़ हाँ। में इसलिए अगर बच्चा बिगड़ जाए अगर बच्चा बाप से मुतनफ़िर हो जाए अगर बच्चा राह रास्ते पर ना हो अगर बच्चे से कोई गलती हो रही हो नेक रास्ते पर ना हो तो बाप को चाहिए कि उसकी गलतियों की तशहर ना करे उसकी गलतियों को लोगों में बयान न करे लोगों से उसकी चुगलखोरियां खोरियाँ ना करे उसकी इज्जत को दागदार ना करे उसके नाम का बट्टा ना लगाए बल्कि बाप को चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से उसके हक में हिदायत की दुआ करे क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे हथियार अता किया है अल्लाह आलमीन ने उसकी दुआ को कबूल करने का वादा किया है लिहाजा एक बाप को अपनी औलाद के लिए दुआओं का अहतमाम करना चाहिए अपनी औलाद के लिए ख़ास तौर से वो दुआ करता रहे उनकी हिदायत के लिए उनकी कामयाबी के लिए उनके राह रास्त पर आने के लिए इसी तरीके से एक बाप को चाहिए कि जहाँ वो बहुत सी दुआओं का एहतमाम करता है खुसूसी तौर पर वो हम बिस्तरी के दुआ का एहतमाम करे अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया जब तुम में से कोई शख्स अपनी बीवी से हम बिस्तरी का इरादा करे तो उसे चाहिए कि वह यह दुआ पढ़ ले बिस्मिल्ला ही जन्निबन शैताना व जन्ब शैताना ऐ अल्लाह हमें शैतान से बचाना और जो बच्चा तू हमें दे रहा है उसको भी शैतान से बचाना कितने ऐसे लोग हैं जो इस मौके पर जो कि एक इबादत है जो कि अल्लाह के तकरब का ज़रिया है ऐसे मौके पर मुनशियात का इस्तेमाल करते हैं शराब पीते हैं नग़मा सुनते हैं मौसीक़ी का इस्तेमाल करते हैं और ये भूल जाते हैं कि उनका अपनी बीवी से मिलना ये कोई सिर्फ़ और सिर्फ़ लज्जत का ज़रिया नहीं बल्कि ये एक इबादत है अल्लाह रब्लमीन की रज़ा है अल्लाह रबुलामी की खुशनुजी इसमें मकसूद होनी चाहिए लेकिन अफसोस का मकाम है कि आज कल के नौजवान और बहुत से बाप इस दुआ को जानते भी नहीं लिहाजा आज के इस नशिस्त के ज़रिए से मैं ये दुआ सारे लोगों में आम करना चाहता हूँ कि वो लोग जो शादीशुदा हैं और अपनी बीवी से फिज़िकल रिलेशन बनाना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि उस रिलेशन से पहले इस दुआ को पढ़ लें बिस्मिल्लाही अल्लाहुम्मा न शैना व जन्निबी शैताना जन्नि मा रज़क्तना अल्लाह के नाम से ऐ अल्लाह तू हमें शैतान से बचा और जो औलाद हमें दे उसको शैतान से बचा रसूलुल्लाह वसल्लम ने बयान फरमाया अगर कोई शख्स उस वक्त यह दुआ पढ़ लेता है तो उसकी औलाद शैतान के फितने से महफूज हो जाती है इसी तरीके से बाप अपनी औलाद के लिए हमेशा उसकी कामयाबी उसकी कामरानी उसकी जो जरूरियात हों उस जरूरियात को पूरा होने के लिए दुआ करते रहे जैसा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह आलमीन से अपने बच्चे के लिए दुआ की थी इब्राहीम ने अल्लाह आलमीन से कहा था फ़ज अल्फ़तमास तहविल़ुख़िन तमतरून अल्लाह लोगों के दिलों को इस तरह बना दे कि खाने काबा की तरफ खींचते हुए चले आए और उन्हें फलों का रज़ दे उनके पास मेवे का रज़ दे वो लोग मेवा जत खाएँ ताकि तेरा शुक्र अदा करें लिहाजा बाप को चाहिए कि अपने बच्चों के लिए अपनी औलाद के लिए हमेशा दुआओं का एहतमाम करता रहे लेकिन ख़बरदार बाप को आगा हो जाना चाहिए बाप को मतलब होना चाहिए कि वो कभी भी अपने बच्चों के हक में बद दुआ न करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां एक बाप को ये हुक्म दिया है कि वो अपने बच्चों के हक में दुआएं करें वहीं रसोल्ला सल्लाम ने इस बात से मना किया है कि वह अपने बच्चों के हक़ में बद रसूलुल्लाह करें रसोल्ला सल्ह ने बयान फ़रमाया तद على वद ولا कम على तदाऊलकुम तुम अपने आप पर बद दुआ ना करो अपनी औलाद पर बद दुआ न करो अपनी माल पर बद दुआ न करो लातवा फिको मिनल्लासातालूफ़ी आताउन फ़ैस तजीबलकुम ऐसा ना हो कि जिस वक्त तुम अपने बच्चों के लिए बदुआ कर रहे होते हो जिस वक्त तुम अपने बच्चों के ऊपर लान तान कर रहे होते हो वो कबूलीत की घड़ी हो और अल्लाह रब्लम उस वक्त तुम्हारी ज़ुबान से निकली हुई बद दुआ को कबूल फरमा ले और तुम हलाक हो जाओ अल्लाह आलमीन ने एक जगह बयान फरमाया है वो बे दुआ बिल खैर वकान अजूला कि इंसान जिस तरह अल्लाह आलमीन से खैर का तलबगार होता है जिस तरह इंसान अल्लाह आलमीन से नेक दुआएं करता है उसी तरह बद दुआ करने में भी वो जल्दबाजी से काम लेता है वकान अल इंसानजूला और इंसान ठहरा बड़ा जल्दबाज इस आयत की तफसीर में हजरत कदादर रजी अल्लाह तह बयान फरमाते हैं कि इंसान अपने आप पर अपने माल पर अपने औलाद पर बद्दुआएं करता है अगर अल्लाह ताला उसे कबूल कर ले तो इंसान हलाक हो जाए इसी तरीक़े से अगर एक बाप अपनी औलाद पर ना हक करता है बेला की इसी वजह से उससे हसद करते हुए उससे जलन रखते हुए उस पर म करते हुए अगर वो बद्दुआ करता है तो इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह तमिया रमत फतावा के अंदर लिखते हैं कि अगर कोई बाप बतौर अपने बच्चे पर बद्दुआ करता है अपने बच्चे को बद्दुआओं से नवाजता है और उससे जलन करते हुए उससे हसद करते हुए यूँ ही उससे बद देता है तो ये बद उस बेटे के हक़ में कफ़ारा बन जाती है और बाप अपने इस फेल पर गुनहगार होता है और बेटा सब्र करने की वजह से अजर का मुस्तक होता है अला अल कहतानी के हवाले से मन अजायबी दुआ में बाप के बद दुआ की कबूलियत का एक वाक़ा जिक्र किया गया है एक शख्स अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था उसका एक लड़का था जो बड़ा नेक था अपने माँ बाप का फरमाबरदार बरदार था अपने माँ बाप का बड़ा मतिया था एक मरतबा इशा के वक्त वो अपने बाप से कहता है बाबा मैं बाहर जाना चाहता हूँ थोड़ा सा थक गया हूँ थोड़ा बाहर जा के फ्रेश हो जाऊंगा फिर अंदर आ जाता हूँ उसका बाप कहता है कि नहीं तुझे नहीं जाना है अपने बाप से वो बार बार रिक्वेस्ट करता है अपने बाप से बार बार वो इसरार करता है कि बाबा थोड़ी देर के लिए मुझे बाहर जाने दो बाप हर बार इनकार करता है इतने में उसकी माँ आ जाती है कहती है क्या हुआ तुम दोनों किस बात पर बहस कर रहे हो तुम्हारी गुफ्तगु किस बात पर चल रही है बेटा कहता है कि अम्मा मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाना चाहता हूँ अबू जान कह रहे हैं कि तुम्हें बाहर नहीं जाना माँ कहती है कि थोड़ी देर के लिए जाने दीजिए अभी थोड़ा फ्रेश हो जाएगा बाहर जा करके खुली हवा में सांसें ले लेगा फिर अंदर आ जाएगा बाप कहता है ठीक है जा अल्लाह तुझे वापस ना लाए बाप ने इतना कहा और उसे यह नहीं पता कि उसने अपनी जुबान से जो बात कही है यूं ही अपने बेटे को जो बदुुआ दी है वो बदुुआ ऐसे वक्त में दिया है जो कबूलियत का वक्त था जैसे कि अल्लाह के रबी ने कहा अपनी मालो औलाद को बदुआ ना दो हो सकता है कि जिस वक्त तुम बदुआएँ दे रहे हो वो कबूलियत का वक्त हो वो लड़का जाता है और अपने आम लिबास में जिसको पहन करके वो सोता है वही लिबास पहन करके बाहर जाता है उसको गए हुए एक घंटा हो गया दो घंटा हो गया तीन घंटा हो गया हत्या की सुबह हो गई वो लड़का वापस नहीं आया उसके माँ बाप परेशान हो गए और इधर उधर पुलिस वगैरह को फ़ोन करने लगे सुबह में एक जगह जहाँ एक्सीडेंट में मरने वाली लाशों को इकट्ठा किया जाता है वहाँ पर ये लोग गए और ये देखने के लिए कि क्या मेरा बच्चा भी तो इसमें नहीं है वहाँ पर जब पहुँचे तो क्या देखते हैं कि उनका बच्चा अपने उसी लिबास में मरा हुआ पड़ा हुआ है तो नजरिन कराम गौर कीजिए कि एक बाप ने यूं ही ऐसे ही अपने बेटे को कहा जा अल्लाह तुझे ना लाए और वो कबूलियत की घड़ी थी अल्लाह आलमीन ने उसको कबूल कर लिया और वो हलाक हो गया लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को बद दुआ देने से गुरेज करें अपने बच्चों को बद दुआ देने से बचें अगर हमारा बच्चा बिगड़ा हुआ है नालायक है ना फरमान है तो अल्लाह आलमीन ने दुआ की शक्ल में हमें जो हथियार दिया है उसके लिए उस हथियार को इस्तेमाल करें और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करते रहें आज के इस नशिस्त का इख्तिताम इसी पर होता है अल्लाह आलमीन से दुआ है कि मौला तो हमें दुआ करने की तोफ़ी अता फरमाए और बद दुआ से हमें बचाए आमीन वसलम आलिकम वरहि